नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर BMHRC में कोरोना संक्रमित महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुराने भोपाल के काजी कैंप में रहने वाली महिला से 6 अप्रैल को BMHRC में दुष्कर्म हुआ। महिला ने इसकी जानकारी अस्पताल की नर्सेस को दिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। दुष्कर्म की धारा 376 में मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस या अस्पताल ने इसकी जानकारी महीने भर बाद भी परिवार को नहीं दी। जबकि घटना के तुरंत बाद पीड़ित की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वो वेंटिलेटर पर चली गई थी। अगले दिन उसकी मौत हो गई। 6 अप्रैल को हुई इस घटना पर निषादपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। इस आरोपी पर दुष्कर्म की घटना से 2 दिन पहले ही एक संक्रमित नर्सिंग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया गया था। जी हां, आपको बता दें, 3 या 4 अप्रैल को भोपाल मेमोरियल अस्पताल में एक महिला को कोरोना होने के बाद भर्ती किया गया था। एक मेल स्टाफ 6 अप्रैल को सुबह 4 बजे उसके कमरे में आया और बोला चेकअप करना है। फिर वह मरीज के पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे हाथ फेरने लगा। मरीज ने पूछा कि ये कौन सी जांच है। इसके बाद वह उसे बाथरूम में ले गया और बोला सलवार उतारो। फिर प्राइवेट पार्ट्स में अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने रोका तो वह उसे बाहर लेकर आया। फिर महिला के बेड पर आने के बाद शरीर को छूने लगा और प्राइवेट पार्ट्स की जांच करने के नाम पर छेड़छाड़ करने लगा। मरीज ने ये बात अस्पताल की कृष्णाबाई को बताई और फिर उन्होंने नर्सिंग स्टाफ सिस्टर जिंसी को जानकारी दी। इस बीच आरोपी वहां से भाग गया। ऐसी ही एक दूसरी घटना को इसी सफाईकर्मी ने 2 दिन पहले भी अंजाम दिया था। उसने हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ की थी। वाक्या 4 अप्रैल को रूम नंबर 4 का है। तब सफाईकर्मी रात को करीब 3:45 में रूम में आया। 3:45 पर रूम में आया। उस वक्त नर्स सो रही थी। आरोपी महिला की कलाई पकड़ कर चेक करने लगा। महिला की नींद खुली और उसने सफाईकर्मी से पूछा ये क्या कर रही हो, और उसके प्राइवेट पार्ट्स छूने लगा। थोड़ी देर बाद कपड़े उतारने लगा। इस पर महिला चिल्लाई तो वो मॉनिटर चेक करने लगा और चला गया। मरीज ने घटना की जानकारी वार्ड के स्टाफ को दी। महिला ने बताया कि आरोपी का नाम संतोष है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल के मुताबिक जानकारी मिलने के बाद वो PPE किट पहनकर बयान लेने के लिए गए थे, लेकिन महिला की हालत ठीक नहीं थी इसलिए बयान नहीं ले पाए। अस्पताल प्रबंधन ने भी इस घटना की जानकारी महिला के परिजन को नहीं दी। TI साहब से चर्चा करेंगे कि महिला के परिजन को इसकी जानकारी देनी है या नहीं। मामले की जानकारी के लिए BMHRC के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभा देसीकर ने बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। अब आप ही बताइए, जो चिट्ठी पीड़ित की बताकर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को दी है क्या वह असली है, या फिर परिजन को घटना की जानकारी नहीं देने की बात चिट्ठी में है लेकिन वो नाम क्यों छुपाएगी। तीसरी बात, घटना के बाद महिला की तबीयत ऐसी कितनी बिगड़ी कि उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर लेना पड़ा। और चौथी बात, प्रबंधन ने महिला से जाति की बात छुपा ली, पुलिस ने भी प्रबंधन का साथ क्यों दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।